तो बीएससी आ गया हूँ मैं इधर डीसी साहब और लोगों की काफ़ी ख्वाहिशें भी हैं, उम्मीदें भी हैं, आप लोगों से क्या कहेंगे? ये पब्लिक दरबार का सिलसिला पिछले महीने से शुरू हुआ है। ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स चल रहे हैं जिसमें पब्लिक से लगातार इंटरेक्शन होता है। आज ब्लॉक दिवस का भी दिन है, वेंसडे है, और ब्लॉक दिवस पिछले 2 साल से चल रहे हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स अपनी सारी टीम लेके अलग अलग ब्लॉक्स में जाते हैं। तो ये सारे तरीके हैं ताकि जो भी इश्यूज लोगों को हों वो सामने आ सकें, उनको जितना जल्दी हो सके हल किया जा सके। जी, तो क्या उम्मीद रखें लोग कि आप जल्दी एड्रेस होगा इनका? मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम देखी नहीं। जी जी, बॉर्डर एरिया के जो इश्यूज हैं यहाँ के, वो कुछ हैं जो हमेशा कह रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हमें थोड़ी शांति का मिली है ऐसी चीज़ों से जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लास्ट में भी और आगे वाले समय भी आई एम वेरी श्योर दे विल राइटली रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन ऑफ दैट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ पिछले 2 साल में वो ज़मीन जो फेंस के पार थी जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते थे उसको यूज़ करना शुरू किया गया है, उसको और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो ज़मीन हिंदुस्तान की है, हमारी है और हमारे किसानों की है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आपका क्या रहेगा? इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल के हैं जो ठीक तरीके से चल रहे हैं उनका फ़ायदा मिलेगा ही। जैसे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, शुरू में यहाँ भी कुछ डेलीगेशंस आए, उन्होंने अपनी परेशानियाँ बताई, जैसे व्यापार मंडल है उनका कहना है कि परेशानी ट्रांसपोर्ट के इशूज़ होंगे, लेकिन जब भी कोई डेवलपमेंटल एक्साइज डेवलपमेंटल वर्क होते हैं तो उसका हमेशा कोई कुछ समय के लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है। जल जीवन मिशन है, उसके बारे में भी आई हैव मेट सम माय समिटी मेंबर्स आल्सो। जल जीवन मिशन को भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ के स्टाफ ने किया, तो वी होप दैट दैट विल आल्सो। सर दिस टाइम दिस इज द सेकंड टाइम जो है विजिट द कठुआ डिस्ट्रिक्ट, व्हाट आर योर एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल जो हैव मेड द कठुआ डिस्ट्रिक्ट 1993 आल्सो विजिटिंग मेनी टाइम्स। राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर। कार्यक्रम में कोई परेशान हो सकता है।
मेरे ख्याल में एक पिछली बार जो पॉइंट करके तकरीबन वही पॉइंट है प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल बना ये सर तकरीबन 2.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया।